दोस्तों, अगर आपने कभी सहारा डेजर्ट के बारे में सुना है तो आपको भी इस बात की हैरानी जरूर होती होगी कि आसमान में कितनी धूप और कितनी गर्मी है। यहाँ तक कि आप ये भी सोचते होंगे कि आसमान कितना साफ हो सकता है। चारों तरफ पानी के अलावा वेजिटेशन, पेड़ पौधे और हरियाली बहुत ही कम देखने को मिलती है, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान चट्टानों और रेत के टीलों से ढका हुआ है। सारा रेगिस्तान में निकलता सूरज हमारे प्लेनेट को सोलर एनर्जी देने के लिए काफी शक्तिशाली है। यहाँ की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये दिमाग को एकदम हिला देने वाली हैं। दूर तक फैला सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बी वर्चुअल नॉलेज की एक और नई वीडियो में। अगर सहारा डेजर्ट एक देश होता तो ये दुनिया में पांचवें स्थान पर होता, जहां ये ब्राजील से बड़ा और चाइना और अमेरिका से थोड़ा छोटा होता। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये एक साल में 2000 से 3000 तक एवरेज किलोवाट पर आर की ऊर्जा प्राप्त करता है। ये देखते हुए कि सहारा लगभग 9 मील को कवर करता है, इसका मतलब ये है यहाँ पर हर तरीके की एनर्जी उपलब्ध हो सकती है। यानी कि अगर रेगिस्तान का हर छोटा इंच सूरज की ऊर्जा की हर एक बूंद को सोख लेता है तो ये एक साल में 22 बिलियन गीगावाट से ज्यादा होगी। ये फिर से एक बड़ी संख्या है जिसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हो सकती है। इसका मतलब है कि पूरे रेगिस्तान को कवर करने वाला सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा पावर स्टेशन की तुलना में ये 2000 किलोवाट पर आर से ज्यादा एनर्जी उपलब्ध करेगा, जो एक साल में मुश्किल से 10 लाख गीगावाट आर को उत्पन्न करता है। वाकई में इसका इक्विवेलेंट हर दिन 36 बिलियन बैरल से अधिक तेल के बराबर होगा। अगर इस सिनारियो को देखें तो सहारा पोटेंशियली यूरोप की बिजली की जरूरतों से 7000 किलोवाट पर आर से ज्यादा बिजली प्रदान कर सकता है, जिसमें किसी भी तरह का कार्बन एमिशंस नहीं होगा। केवल इतना ही नहीं, सहारा को यूरोप के बहुत करीब होने का भी फायदा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गिब्राल्टर में नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच सबसे कम दूरी बस 15 किलोमीटर की है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी की मुख्य चौड़ाई में और भी अधिक दूरी पूरी तरीके से परफेक्टली प्रैक्टिकल है। दुनिया की सबसे गहरे पानी में नीचे की बिजली केवल नॉर्वे और नेदरलैंड्स के बीच लगभग 600 किलोमीटर तक चलती है। पिछले एक साल से साइंटिस्ट ने देखा है कि कैसे रेगिस्तान और सोलर एनर्जी को मिलाने की मांग को पूरा किया जा रहा है। आखिर में ये यूरोप को भी एक शक्ति प्रदान कर सकता है, और इन सभी एकेडमिक इनसाइट्स को गंभीर योजनाओं में बदला गया है, जिसमें से अभी तक का इन सब में से डेजर्ट सी एक हाईएस्ट प्रोफाइल अटेम्प्ट रहा है, जो 2009 में अनाउंस किया गया एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसने सब कुछ बहने से पहले अलग अलग बैंक्स और एनर्जी फर्म से बहुत सारा पैसा कमाया था। इन सारे प्रोजेक्ट्स को अलग अलग तरीकों के पॉलिटिकल, कमर्शियल और सोशल फैक्टर्स ने रोक दिया था, और इन सभी को उन जगहों पर रोका जाता था जिन सिटीज में डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। अगर बात करें रीसेंट प्रपोजल्स की, तो ट्यूनीशिया का टूनूर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है, जिसका मकसद 2 मिलियन से भी अधिक यूरोप के घरों को बिजली देना है, और मोरक्को के सोलर पावर प्लांट, जिसका मकसद यूरोप को एनर्जी प्रदान करना है। बात करें अभी की, तो हाल ही में दो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो सोलर सिस्टम में कुछ कॉन्टेक्स्ट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जो है सोलर पावर और रेगुलर फोटोवोल्टेक सोलर पैनल्स। और इन दोनों की अपने कुछ एडवांटेजेस तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सोलर पावर एक ही जगह पर सूरज की एनर्जी को लेने के लिए किसी लेंस या शीशे का यूज करता है, जो एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये कन्वेंशनल स्टीम टर्बाइन्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए पिघले हुए नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रात में हम उस बिजली को यूज कर सकते हैं। यहाँ जो डायरेक्ट सन होता है, वो बादलों की कमी और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से CSP को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, लेकिन यहाँ हम लेंजेस और मिरर्स को सैंड स्टॉर्म्स की मदद से कवर कर सकते हैं, जबकि टर्बाइन्स और स्टीम हीटिंग को कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज में गिना जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये गंदे वाटर रिसोर्सेज का यूज करता है। फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल्स इन सब की जगह सेमीकंडक्टर्स का यूज करके सूर्य की ऊर्जा को सीधा बिजली में बदल देता है। ये सोलर पैनल का सबसे कॉमन टाइप है, क्योंकि
या तो इसको ग्रिड से जोड़ा जा सकता है या फिर इंडिविजुअल बिल्डिंग्स पर छोटे छोटे स्केल के इस्तेमाल करने के लिए इसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। साथ ही ये क्लाउडी वेदर में एक रीजनेबल आउटपुट भी देता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब पैनल बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तब उनकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन ये उस एरिया के लिए आइडल नहीं है जहां गर्मी में तापमान आसानी से 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, और इसे देखते हुए दिन के सबसे गर्म टाइम में एसी के लिए भी डिमांड काफी हद तक बढ़ जाती है। दूसरी परेशानी ये है कि ये सैंडस्टॉर्म पैनल्स को भी कवर कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये उनकी एफिशिएंसी को भी कम कर सकते हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजीज को मौसम के आधार पर मिरर्स और पैनल्स को साफ करने के लिए कुछ मात्रा में पानी की जरूरत पड़ सकती है, जो पानी को यूज करने के लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है। सहारा का एक छोटा सा हिस्सा उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जितना आज की डेट में अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट करता है। जैसे जैसे सोलर टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, चीजें केवल सस्ती ही नहीं बल्कि और ज्यादा एफिशिएंट भी होंगी। सहारा डेजर्ट कुछ पौधों और जानवरों के लिए इनहॉस्पिटेबल भी हो सकता है, लेकिन ये पूरे नॉर्थ अफ्रीका और उसके आगे के जीवन के लिए एक स्थायी ऊर्जा ला सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल बी वर्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।